आपका कार्यक्रम आप ही मेहमान, 100 से 500 लोगों को खाना बनाकर होम डिलीवरी उपलब्ध। जी हाँ, राकेश तिवारी कैटर्स पेश करते हैं स्वादिष्ट भोजन की संपूर्ण श्रृंखला। टीकमगढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला अस्पताल से एक युवती से छेड़छाड़ और मोबाइल छीनने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित अपनी बहन के साथ अस्पताल पहुंची थी और इंजेक्शन रूम में थी, तभी वहां पर अनिल राय नाम का युवक पहुंचा और उसके साथ बदतमीजी की। युवती और स्टाफ द्वारा शोर मचाने पर युवक अनिल को लोगों ने पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। इसके साथ ही पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और लड़के को पकड़कर कोतवाली थाने ले आई। युवती की शिकायत पर अनिल राय पर धारा 354 294 IPC के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। पीड़ित युवती ने बताया कि अनिल बहुत दिनों से उसे परेशान कर रहा था और आज अस्पताल आए तो यह पीछे से आ गया, छेड़छाड़ करते हुए उसने मोबाइल भी छीना। मैं जिला अस्पताल गई थी सिस्टर को लेके, उनका बच्चा एडमिट था NCU में, तो उसको दिखवाने गई थी, ठीक है ना। एक्चुअली मैं इंजेक्शन बोर्ड में गई, तो वहाँ पे मैं इंजेक्शन लगा रही थी। जो मेरी सीनियर दीदी हैं, उन्होंने कहा कि छोटू मेरी हेल्प कराओ, तो मैं वहाँ पे इंजेक्शन लगा रही थी। तभी इसका किसी दूसरे नंबर से कॉल आया, तो मैंने इससे बोला हेलो कौन, तो इसने बोला अनिल, बोल रहा कि तू कहाँ पे, तो मैंने नहीं बताया इसको। वो सीधा दौड़ता चला आया, वहीं पे आया, इसने हाथ उठाया, तो मेरी सुपर सीनियर दीदी थी ना जो, उन्होंने इसको पकड़ा, ये मेरा मोबाइल छीन के भागा। तो मैंने अपने स्टाफ वालों से बोला तो वो दौड़ती हुई इसको पकड़ा, तो यहाँ पे वहाँ पे इसने गाली गलौज देना तैयार कर दी। हमारी सीनियर दीदी ने इसको मारा और मेरी रावत जी सर है ना जो, डॉक्टर रावत जी सर, उन्होंने इसको पकड़ के मारा। बट हमारे स्टाफ के बहुत से लोग हैं ऐसे, उन्होंने भी इसको पकड़ के मारा। वहाँ क्या मोबाइल छीनने आया था या छेड़खानी कर रहा था? मोबाइल छीना, इसने हाथ भी उठाया मारने के लिए, छेड़खानी कर रहा था। बट ये मुझे काफ़ी दिनों से परेशान किया जा रहा, मैं इससे बात करना नहीं चाहती, ये मेरा पीछा करता है हर वक्त। कहाँ का रहने वाला है? ये जगन्नगर का रहने वाला है। आप जानती हैं इसे पहले? हम पहले जानते थे, बट यही मेरे पीछे पड़ा था। मैंने इसको ऑनली पहले से भी मना किया था कि ये मेरा पीछा करना छोड़ दे, बट ये माना नहीं। इसने कई नंबरों से मुझे परेशान किया, मैं इससे परेशान आ चुकी थी। मैं इतना भी नहीं, मैं अपने परिवार वालों को भी नहीं बता सकती थी, मैं बहुत मजबूर हो गई थी, इसलिए मैं आज जिला हॉस्पिटल गई ना, तो ये वहीं पर आ गया। वहाँ पर आया, इसे दौड़ते हुए मेरा हाथ झटका इसने, पहले मेरा मोबाइल छीना, मेरा मोबाइल छीन के ये भागा वहाँ से। मोबाइल किस लिए छीना, क्या कारण? पता नहीं क्यों छीना इसने मेरा मोबाइल छीना इसने मेरा। मैंने वहां पर चिल्लाया, मेरे स्टाफ के जो लोग थे ना, उन्होंने उसको पकड़ा। वहीं मामले में कोतवाली थाना प्रभारी अनिल मौर्य ने बताया कि युवक अनिल राय लड़की का पीछा कर रहा था, जो अस्पताल तक पहुंच गया और उसके साथ में छेड़छाड़ की। पीड़ित की शिकायत पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आज करीब 11:30 की बात है, एक बालिग लड़की अस्पताल में अपनी बहन का इलाज कराने आई थी, तो एक लड़का जो संभवतः उसी के मोहल्ले का है, अनिल राय नाम का आरोपी है, वो उसका पीछा कर रहा था। आज भी अस्पताल में आया तो वो लड़की से बातचीत करने का प्रयास करने लगा और छेड़खानी का उसके द्वारा कृत्य किया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला की रिपोर्ट पर, उक्त लड़की की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अनिल राय को, आरोपी को, पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन कौन सी धारा है इसमें? धारा 354 294 IPC रहेगी। सागर टीवी न्यूज के लिए टीकमगढ़ से सुधीर जैन की रिपोर्ट। आपका कार्यक्रम आप ही मेहमान, 100 से 500 लोगों को खाना बनाकर होम डिलीवरी उपलब्ध। जी हाँ, राकेश तिवारी कैटर्स पेश करते हैं स्वादिष्ट भोजन की संपूर्ण श्रृंखला। लंच, डिनर, सलोनी चाट, VIP वेटर, प्लेटर, अनुभवी कारीगरों द्वारा भोजन तैयार करने की व्यवस्था अब आपके बजट के अनुसार। 100 रुपए से 2000 रुपए तक की संपूर्ण सामग्री सहित कैटरिंग, वुडन सेटअप, VIP काउंटर डेकोरेशन के साथ शादी विवाह, जन्मदिन,
एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में खाना बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है लच्छू चौराहे के पास, महर्षि दयानंद वार्ड, पठा सागर।